हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज चलो साम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। साम्स जिन्हें आज के टाइम में लोग सप्लीमेंट्स वाले जो भाई है अपने जो सप्लीमेंट स्टोर पर बैठे हैं, जिन्हें वो 100% नेचुरल सप्लीमेंट्स कहकर लोगों को सेल कर रहे हैं, उनको उल्लू बना रहे हैं और ये बोलते हैं कि 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स इसके नहीं होंगे और साथ में इसको कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं गाइस जो आज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। मैं सच बताऊँगा, जो बोलूँगा कि क्या सम्स की सच्चाई है, इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या इसका सच में ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट है या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है हमें, या फिर बात करें हम कि ये टेस्टोस्टेरोन हमारा जो होता है नेचुरल प्रोडक्शन उसको लो करता है, और सम्स को यूज़ कैसे किया जाता है, कटिंग में कौन से सम्स का कॉम्बिनेशन होता है साइकिल अगर हम चलाते हैं, क्या सम्स के लिए पीसीटी होती है, पीसीटी करनी पड़ती है अगर हम सम्स की कोई साइकिल यूज़ करते हैं, लीन गेन के लिए कौन सी साइकिल यूज़ करनी चाहिए हमें। सो ये सारे बातें आज गाइस मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सो गाइस सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि सम्स जो हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर बोलते हैं, क्या वो 100% नेचुरल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सम्स नेचुरल है सो ये अपना दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, सम्स बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है एंड हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ओके, सो क्यों नेचुरल कहा जाता है इसको गाइस? एक्चुअली आज भी हमारी कंट्री के अंदर या और भी साइंटिस्ट जो हैं सम्स पे आज भी रिसर्च कर रहे हैं, वो आज भी रिसर्च करके ये चेक कर रहे हैं कि अभी सीधी सी बात है, अगर रिसर्च चल रही है सो इट मींस हमारे पास कोई भी पक्का सबूत नहीं है, कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हाँ ये नेचुरल है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सो उसके प्रिवेंशंस क्या हैं। अभी जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है सो इट मींस हमें अभी उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है एंड आज के टाइम में इसे लोग इलीगली मार्केट में बेच रहे हैं और उन लोगों को ये कहकर सेल कर रहे हैं कि ये 100% जेन्युइन है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गाइस सबसे पहले तो मैं उन सप्लीमेंट स्टोर वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लोगों को उल्लू ना बनाएं, लोगों को नकली सप्लीमेंट्स नेचुरल सप्लीमेंट्स कह के उन्हें ये सब ना बेचें। चलो हम मुद्दे पे आते हैं। बाकी देखो सम्स अगर आप यूज़ करते हो सो ये सम्स उन्हीं के लिए मैं रिकमेंड करूँगा जो एडवांस लेवल पे जिन्हें जाना है या फिर प्रोफेशनली ये सब करना है सो वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच कर सम्स यूज़ करना चाहते हो कि ये नेचुरल है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है सो प्लीज़ ये दिमाग से अपना फितूर निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो हम बात करते हैं कि अगर हमें लीन गेन करना है, मास गेन करना है और मास गेन करने के लिए हमें कौन सा साम्स का कॉम्बिनेशन जो होगा वो सही होगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक होता है इनका, दो का होता है, तीन का भी होता है, सो कौन सा स्टैक हमारे लिए ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, अगर आपको लीन गेन करना है, आपको मसल मास गेन करना है अपना और साथ में स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए आपको, सो उसके लिए गाइज़ आप रेड 140 यूज़ कर सकते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। गाइज़ बहुत ही बेहतरीन सम है और इसके साथ में जिसका कॉम्बिनेशन बनता है लीन मास गेनिंग के लिए और जो हमारा पावर देता है उसके लिए, सो उसके साथ में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा गाइस वो होगा आपका LZD4033। गाइस ये दोनों का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपको लीन मसल मास गेन करना है या फिर आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आपको अगर चाहिए सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। और मैं अगर बात करूँ रेड 140 की तो गाइज उसकी जो साइकिल ड्यूरेशन जो होगी, टाइम पीरियड जो उसका होगा वो 8 से 10 वीक्स तक हो सकता है। गाइज आप 8 वीक से 10 वीक तक आप उसको चला सकते हो और 10 mg उसकी डोसेज होगी। और अगर मैं बात करूँ LGD 4033 की सो गाइज उसकी जो डोसेज होगी वो 5 mg होगी और साइकिल ड्यूरेशन जो उसकी टाइम पीरियड जो होगा वो सेम 8 to 10 वीक्स हो सकता है। सो गाइज ये दो वो सम्स हैं जिन्हें आप लीन मसल मास गेनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव है एंड बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इनको यूज़ करते हो तो। बट ये उन्हीं के लिए जो प्रोफेशनल्स है या फिर जिन्हें आगे जाना है फिटनेस इंडस्ट्री में, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या जिनका लेवल ही अलग है, ठीक है।
अब मैं एडवांस लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि ये था बिगनर्स के लिए, ओके। अब एडवांस के लिए हाई डोसेज होगी, ऑब्वियसली वो थोड़ा हैवी डोसेज में लेते हैं, हाई डोसेज उनकी होती है, सो वो लोग अपना इसमें MK677 ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, MK677 बेसिकली वो आपका HGH लेवल आपका बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है उसको बढ़ाता है, वो उसमें हेल्प करता है, और साथ ही वो आपको बहुत हेल्प करेगा एक बल्किंग में, बल्क होने में आपको बहुत हेल्प करेगा, एक अच्छा साइज़ आपको, मसल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सो जो एडवांस लेवल पे हैं वो इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसकी साइकिल ड्यूरेशन टाइम पीरियड की, सो यहाँ पे भी वो सेम रहेगी 8 to 10 weeks तक, और इसकी जो डोसेज हैं गाइज वो आप 10 mg से 30 mg तक ले सकते हो। एंड बी रिमेंबर गाइज, These 3 stack are only for advanced level or professional bodybuilders, not for beginners. So ये था guys आपका lean mass gaining का या फिर bulk का, जिसे muscle mass gain करना है, alright? So अब हम बात करते हैं जिन्हें fat loss करना है, cutting पे हैं, जो चाहते हैं कि body से fat जाए लेकिन साथ में हमारा muscle mass भी रहे, drop ना हो। So उसके लिए सबसे अच्छा जो best समय वो है MK2866। गाइस, MK2866 की जो साइकिल ड्यूरेशन होगी वो आपकी 8 weeks तक होगी, और जो इसकी डोसेज होगी गाइस वो 20 mg पर डे की होगी आपकी, ठीक है। आपको ये यूज़ करना है जिसको हम ऑस्ट्रेलियन भी बोलते हैं। सो गाइस, इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा GW501516। गाइस, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, अगर आप कटिंग कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, इन दोनों को आपको यूज़ करना है। और गाइस, इसकी जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो होगा वो भी 8 weeks का होगा, और इसकी जो डोसेज होगी वो होगी 10 से 20 mg, ठीक है। ये आपको यूज़ करनी है अगर आप बिगनर हो तो। और जो एडवांस पे हैं, एडवांस लेवल पे जो कटिंग करना चाह रहे हैं या फिर फैट लॉस करना चाह रहे हैं गाइस, वो इसमें S4 ऐड कर सकते हैं। S4 की जो डोसेज होगी गाइस वो होगी कम से कम 25 से 50 mg तक वो यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो टाइम पीरियड होगा वो 8 से 10 वीक तक हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, ये थे कुछ टिप्स जो मैंने साम्स के बारे में जो आपको बताया है। सो बेसिकली मैं तो सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था सबसे पहले, कि जो लोग ये सोच कर सम्स यूज़ कर रहे हैं कि वो 100% नेचुरल है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये भी था, क्या सम्स हमारा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है उसे कम करता है? ऑब्वियसली कम करता है, यहाँ पे वो आपका HGH लेवल रेज कर रहा है, और जब हमारी बॉडी के अंदर HGH लेवल रेज होता है सो इट मीन्स आपका आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लो होता है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है गाइस, अगर आप सम्स की साइकिल यूज़ करते हो सो आपको 4 वीक्स की PCT करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी PCT ज़रूर होनी चाहिए अगर आपने सम्स यूज़ किए हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप सम्स यूज़ करना चाहते हो सो मेक श्योर आप किसी अच्छे ट्रेनर, अच्छे कोच के अंडर ये रह के आप ये सब यूज़ करें, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इनका सही डोसेज, सही टाइम पीरियड और सही टाइम ड्यूरेशन कि कब तक आपको चलानी चाहिए इसका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ गाइज आपको इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो मेक श्योर आप जब भी ये सब यूज़ करो, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हो सो अपने कोच, अपने ट्रेनर जो जिनको अच्छी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, उन्हीं से पूछ के ये सब यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ ना करें। बेसिकली अगर आप सिर्फ थोड़ी बहुत फिटनेस चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हमें नॉर्मल जस्ट फिटनेस फिट रहना है, सो मैं कहूँगा कि आप ये सब यूज़ ना करें, हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहें, दीज आर नॉट फॉर यू। ये सिर्फ उन्हीं एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनका प्रोफेशन है या जिनको लाइफ में आगे जाना है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह करने हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना प्यार और अपना सपोर्ट प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखना गाइज। देखो मैं एडिटिंग वगैरह मुझे करनी आती नहीं वीडियोज़ की, सो जैसी भी इन्फॉर्मेशन है मेरे को लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देनी चाहिए सो बना देता हूँ, सो जैसे भी डाल देता हूँ, मुझे नहीं पता है आपको वीडियो कैसी लगती है, ना मुझे एडिट करनी आती है उन लोगों की तरह जो और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बट जो दिमाग में आया कि ये टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो बना देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सो मैं दे देता हूँ। एंड आई होप, देखो चाहे अगर आपको इसमें 2 पॉइंट अच्छे लगे हों या 2 बात अगर आपको अच्छी लगी कि आपको 2 चीज़ समझ में आई, सम्स कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें गलत है, क्या सही है, सो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कुछ तो एटलीस्ट आपने सीखा, अगर 10% भी अगर आपको यहाँ से सीखने को मिलता है सो इट्स गुड। सो थैंक यू सो मच गाइज,
वंस अगेन, और मैं इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय।